गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, जिसको हम टाइटल दे रहे हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, लेकिन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जैसे कि नाम हमें समझ में आ रहा है, टाइट्रेशन, वी आर डूइंग टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियो, यानी पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब सेल की बात हम यहाँ पे करेंगे। पोटेंशियल की मदद से हम टाइट्रेशन निकाल सकते हैं। टाइट्रेशन का हम मतलब जानते हैं, we need to find out the concentration of the unknown solution. अब potentiometric titration में basically सबसे पहले electrode का इसमें role रहता है, और एक electrode हम as a indicator हमारे पास काम करता है electrode, और electrode की मदद से हम किसी भी केस cell का EMF निकालते हैं, और उस potential को निकालने के बाद हम उसके graph को plot करते हैं with the help of adding the nuclei or known solution, alkali or known solution basically. यानी graph हम निकालेंगे by plotting the known solution, हमारे पास known solution है, और हम जानते हैं इसको potential के बीच में हम इसको plot करेंगे। तो plotting के बाद जो हमारे पास sharp change आता है, sharp increase आता है, और वही sharp increase हमें उसका equivalent point बताएगा, और वही equivalent point आसानी से हम उस इक्विवेलेंट पॉइंट की मदद से उस की फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एंड पॉइंट निकाल सकते हैं। और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड को एज अ इंडिकेटर लेते हैं, और दूसरा ईएमएफ को नोट डाउन करते हैं। और टाइट्रेशन का मतलब है कि हम टाइट्रेट कर रहे हैं और उसका ईएमएफ नोट डाउन कर रहे हैं। ईएमएफ नोट करने के बाद हम ईएमएफ और उस नोन सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उस ग्राफ के बेसिस पे हम उसका इक्विवेलेंट पॉइंट निकालते हैं, और इक्विवेलेंट पॉइंट के बेसिस पे हम आसानी से उसकी नोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। और इस मेथड में हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन तीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइट्रेशन होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी एसिड बेस को टाइट्रेट इसके माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें इसका एंड पॉइंट निकालना है। एंड पॉइंट का मतलब है कि जब एसिड बेस को एसिड में ऐड किया जाए तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को ही हम इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ पे बोलेंगे। इक्विवेलेंट पॉइंट मान लेते हैं कोई भी ग्राफ हमारे पास इस तरीके का आता है, जहां पर वॉल्यूम को ऐड करते करते पोटेंशियल बढ़ता है, और पोटेंशियल बढ़ने के बाद शार्प चेंज आता है, और शार्प चेंज आने के बाद फिर पोटेंशियल कांस्टेंट भी बढ़ना शुरू करता है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वही इक्विवेलेंट पॉइंट बोला जाता है ग्राफ के बाद, और वही इक्विवेलेंट पॉइंट हमें उसके जो नोन सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर बताता है। अगर हम इसको एक ग्राफ पॉइंट प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट है, इसकी स्ट्रेट लाइन को हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में ऐड करें, तो ये एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, और इस प्रेजेंटेशन को हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। यानी टाइट्रेशन में हमने दो तीन चीजें देखी। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोड को एज इंडिकेटर यूज किया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ इसको अटैच किया। इलेक्ट्रोड अटैच करने के बाद हमने उसका ईएमएफ नोट डाउन किया। ईएमएफ कब नोट करेंगे, जब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट। इसको हम बना के देख लेते हैं। हमारे पास ये कोई बीकर है, इस बीकर में हम मान के चलते हैं एक साइड पे हम ग्लास इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और ग्लास इलेक्ट्रोड हम जानते हैं इस तरीके से बना रहता है, और ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ साथ हम सिंपल सा कोई और इलेक्ट्रोड या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लगा सकते हैं एग्जांपल, और इसमें हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप ब्यूरेट से नॉन सॉल्यूशन ऐड करते हैं। जब हम इसमें नॉन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो बेसिकली अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की हम बात करते हैं, तो इसमें अगर इसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, और क्विन हाइड्रोन हमने इसमें डाल रखा है, यानी इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है जो कि अननोन है, और यहाँ पर हम अल्कली NaOH ऐड करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करेंगे। तो NaOH ऐड करते ही इसके आयन पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज होना शुरू होंगे, और इनिशियली
जब हमने इन दोनों सेल को जोड़ा है, हम इनका पोटेंशियल नोट डाउन कर लेंगे। और पोटेंशियल नोट डाउन करने के बाद वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड विद रेस्पेक्ट टू दिस पोटेंशियल वन बाय वन, अगर 1 ml हमने पहले इनिशियली इसमें ऐड किया, फिर 2 ml ऐड किया, 3 ml ऐड किया, या एक अंतराल है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 ml का या 2 ml का, हम ले सकते हैं कितना वेरिएशन आता है, उसको प्लॉट हमने किया। और प्लॉट करने के बाद हमें ये ग्राफ मिला, और इसका जो शार्प इंक्रीज है और शार्प इंक्रीज का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम इक्विवेलेंट पॉइंट हम बोलेंगे। और उस इक्विवेलेंट पॉइंट से हम आसानी से इस अननोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। दिस इज द मेथड जिसको हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं, जिसके अंदर तीन तरीके की टाइट्रेशन कर सकते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम देख सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, और तीसरा हमारे पास इसमें आता है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। यानी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की मदद से तीन तरीके के टाइट्रेशन को परफॉर्म किया जा सकता है, कंफर्टेबली इसको परफॉर्म किया जा सकता है। सिर्फ हमें प्लॉट करना होता है ग्राफ को, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी कम है, अगर हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास बहुत कम है, तो हम डेल्टा ई और डेल्टा वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, डेल्टा इसके रेशियो और वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उसका ग्राफ इस तरीके का हमें मिलता है। और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो इक्विवेलेंट पॉइंट कहा जाता है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट इसका इक्विवेलेंट पॉइंट कहा जाता है। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो हम इसका ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा वी एंड द वॉल्यूम ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। नोन सॉल्यूशन बेसिकली हम यहाँ पे अगर एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं, वी विल प्लॉट द वॉल्यूम ऑफ द NaOH विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा ई एंड डेल्टा वी। तो ग्राफ के इस पॉइंट को जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। और यहाँ पे भी हमने इस वाले ग्राफ के लिए भी हमने कहा मिड पॉइंट को हम इक्विवेलेंट पॉइंट का नाम देते हैं, और इस इक्विवेलेंट पॉइंट से हम अननोन कंसेंट्रेशन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके मेथड को समझेंगे। नाउ हमें समझना है कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कैसे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पोटेंशियोमेट्रिक मेथड का उपयोग कर रहे हैं, हेल्प इसकी हेल्प में पोटेंशियोमेट्रिक हम हेल्प ले रहे हैं, तो इसका किस तरीके से इक्विवेलेंस पॉइंट हम निकालें इसको हम समझते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा एक उसका आइडिया लिया था कैसे बनाया जाता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम एल्कली और HCl की हम बात करते हैं, और इसको एक युक्ति हमारे पास एक बीकर हमारे पास है, उस बीकर में हम लेफ्ट हैंड साइड पे ग्लास इलेक्ट्रोड रखते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड, और ग्लास इलेक्ट्रोड में हमारे पास प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, ग्लास वायर होती है, और इसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ राइट हैंड साइड पे जोड़ देते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड में हम जानते हैं एक ग्लास है अंदर जिसमें मरकरी Hg2Cl2 भरा होता है, उसमें KCl का सॉल्यूशन है, और ये पूरे सॉल्यूशन को डिप किया गया है एसिड के सॉल्यूशन में, और इसमें ब्यूरेट की मदद से एल्कली को ऐड किया जाता है, और वोल्टामीटर को इसके साथ जोड़ने के बाद हम इसका EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बेसिकली EMF रिकॉर्ड करने के बाद हम एक हमारे पास इसके बेसिस में इक्वेशन निकल सकती है E0+0.0591 pH, इसके माध्यम से हम इसका इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसकी। लेकिन एज सून एज वी आर अप्लाइंग एंड एडिंग NaOH एल्कली, कोई भी एल्कली हो सकता है, हम अपने स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं ना वीक की बात कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं एल्कली और इसमें हमारे पास सॉल्यूशन एच पॉजिटिव का किसी भी एसिडिक का सॉल्यूशन है. वी आर रिकॉर्डिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस सॉल्यूशन दिस सेल बाय एडिंग साइमल्टेनियसली एडिंग द एल्कली. और जब इनकी वैल्यू हमारे पास मिल जाती है तो हम इसको हम प्लॉट करते हैं और प्लॉटिंग के बाद वॉल्यूम ऑफ एल्कली को हमने प्लॉट किया विथ पोटेंशियल. एंड इस केस में एसिड बेस टाइट्रेशन के केस में हमारे पास ग्राफ उसका ये बनता है ऑलमोस्ट. और इसके ग्राफ को देखें तो इसमें स्टीप चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे भी स्टीप चेंज है. तो इसका जो मिड पॉइंट है इसको हमने नाम दिया इक्विवेलेंस पॉइंट. इस इक्विवेलेंस पॉइंट के बेसिस पे हम इजिली इसकी पीएच को या इसके वॉल्यूम ऑफ एल्कली को निकाल सकते हैं. खासतौर पर हमें इसका वॉल्यूम ऑफ एल्कली निकालना है कि कितने पॉइंट पे कितने वॉल्यूम पर इस अननोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन न्यूट्रलाइज होगी या उसका एंड पॉइंट क्या मिलेगा या उस अननोन कंसेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी बाय यूजिंग दिस ग्राफ. इफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, दो तीन कंडीशन हमारे सामने हैं, डाइल्यूट कंडीशन है या हमारे पास वीक कोई एसिड है या हमारे पास वीक बेस है, तो वीक एसिड और वीक बेस के टर्म्स में हम इससे पहले जान चुके थे कि पोटेंशियल जो वेरी कर रहा है उस पोटेंशियल को डेल्टा ई और डेल्टा वी इस रेशियो में निकाल के वॉल्यूम ऑफ एल्कली के साथ प्लॉट करते हैं. तो इस मदद से इस ग्राफ से डेल्टा ई और डेल्टा वी के ग्राफ से हम इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं. व्हेन वी आर यूजिंग ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हेन वी आर यूजिंग द वीक एसिड, व्हेन वी आर यूजिंग द वीक बेस, देन दिस वैल्यू डेल्टा दिस पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड बाय द डेल्टा वी वॉल्यूम एंड फाइनली इनकी वॉल्यूम ऑफ एल्कली के बेस में इसको प्लॉट करेंगे तो हमें फिर से इस मैक्सिमम पॉइंट हमें मिलता है जिसको हम फिर से एक बार इक्विवेलेंस पॉइंट नाम देते हैं. और इस इक्विवेलेंस पॉइंट की मदद से हम अननोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. ये हमारे पास पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन का पहला एप्लीकेशन विद एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. हमारे पास नेक्स्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन है और रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और क्या मेथड्स हमारे पास हैं और इसमें रिडक्शन किसका होगा ऑक्सीडेशन किसका होगा ये हम समझ लेते हैं. रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन में हम फेरस आयन लेते हैं और सिलिका, इन दोनों के बीच में हमें रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है. तो Fe2 positive basically converts into Fe3 positive. अब ये 2 positive 3 positive में कब होगा, जब इसका reduction होगा, बस जब इसका oxidation होगा. Oxidation होने के बाद यानी Fe2 positive oxidizes into Fe3 positive by losing electron. हम जानते हैं loss of electron is basically oxidation. Ce positive when gains one electron it converts into Ce3 positive. तो इसको हम समझना है कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा बाय रिड्यूसिंग एंड Ce4 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेस इनटू Ce3 पॉजिटिव. तो ये मेथड हम इम्प्लॉय कर सकते हैं, इस मेथड से हम आसानी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एंड पॉइंट है किस पॉइंट पे कंप्लीट होता है वो हम निकाल सकते हैं. हमारे पास इसको निकालने की मेथड्स हैं और जिसमें हम पोटेंशियल मेजर आउट करते हैं. पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ ये सेंटर्ड क्लास एंड ये पॉइंट हमारे पास है, को हम वोल्टामीटर से जोड़ते हैं और वोल्टामीटर से जोड़ने के बाद हम इसको प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में ऐड कर देते हैं.
Now this solution is being dipped into Fe 3 positive, 2 positive. Ferrous ion में हमने इसको dip किया हुआ है और हम burette से इसमें Fe सेरिक आयन हम इसमें ऐड करते हैं Ce4 पॉजिटिव, यानी ये हमें देखने को मिल रहा है कि इसका हो रहा है हमारा रिडक्शन, ये Ce3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, Fe2 पॉजिटिव भी Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, एक समय के बाद इनका न्यूट्रलाइजेशन होगा और शार्प पोटेंशियल में शार्प चेंज आएगा और वो शार्प चेंज पर ही हमें इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमें इन सबके बीच में प्लॉट करने के वैल्यू कुल कैलकुलेट करने के बाद इनको प्लॉट करना है। हम यहाँ पे देखेंगे, प्लॉट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सी फोर पॉजिटिव एडिड, इसको हम प्लॉट करते हैं पोटेंशियल के बीच में। अब इसको दोनों को पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सी फोर पॉजिटिव एडिड एंड पोटेंशियल के बीच में जब हमने प्लॉट किया तो हम देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंज इनिशियली नहीं आया क्योंकि नंबर ऑफ आयंस सेम थे। फिर उसके बाद ये इसका एक पॉइंट हमें मिला और जो हम जानते हैं इसका जो शार्प स्टीप पॉइंट है वो शार्प स्टीप पॉइंट ही इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। मुख्य बिंदु इसमें है कि केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होंगी, किस तरीके से रिडक्शन होगा, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा और दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद इनकी वैल्यूज में क्या चेंज आएगा। इसी प्लॉट को हम इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट के बाद हम इसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन को इजीली और इक्विवेलेंस पॉइंट को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड हम जानते हैं, बस हमें ये सिस्टम को सेट करना है और सेट करने के बाद इसमें इसके पोटेंशियल को मेजर आउट करना है। दिस इज अ सिंपल मेथड। नाउ हम इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बाद समझते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में हम यूज करते हैं रिडक्शन टाइट्रेशन के बाद हम समझेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सिंपल कंसेप्ट अभी हमें जो समझ में आया वो ये है कि हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है पोटेंशियल और द वॉल्यूम ऑफ एडिट जो भी हमारे पास नॉन सॉल्यूशन है उसका। हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में मान हमने NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के साथ यूज किया है। NaCl सॉल्यूशन हमारे पास अननोन है तो और AgCl सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट से ऐड करेंगे, तो ब्यूरेट से ऐड करके हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट हमें बनाएगा। तो इस प्रेसिपिटेशन के पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है, उसको निकालने के लिए हम कैलोमेल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। सिंपल सा हमारे पास कंसेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कैलोमेल इलेक्ट्रोड यूज किया, इसमें हम अगर हम KCl भी ले लें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कैलोमेल इलेक्ट्रोड पे KCl यूज किया जाता है KCl और यहाँ पे कैलोमेल इलेक्ट्रोड मैंने ड्रॉ कर लें। कैलोमेल इलेक्ट्रोड को हम एक सेल हमारे पास ही एक बीकर में है हमारे पास KCl का सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में हमारे पास है सिल्वर की का इलेक्ट्रोड NaCl और हम इसमें ऐड करते हैं ब्यूरेट से AgNO3 और इन दोनों सेल को इलेक्ट्रिकली सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसमें सॉल्ट ब्रिज से इनको जोड़ दिया जाता है और दोनों सेल को हम एक वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं। ये युक्ति हमें समझनी पड़ेगी क्या कैसे हम इसको करते हैं और कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। ये हमारे पास कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड के बारे में सब जानते हैं, ये Hg है Hg2Cl2, ये KCl का सॉल्यूशन हमारे सामने, इसमें इसको डिप किया गया, इस इलेक्ट्रोड को कंप्लीट किया गया। ये हमारे पास सिल्वर का एक इलेक्ट्रोड, इससे हम ऐड करते हैं NaCl का सॉल्यूशन,
उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन हम जानते हैं सिल्वर जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिल्वर डिपॉजिट सॉलिड बनाएगा, और ये सिल्वर सॉलिड जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो हमें बताएगा। बेसिकली हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ऑलवेज जो है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है राइट साइड पे तो ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्शन। लेकिन सिंपल से कंसेप्ट में हम ये देख रहे हैं कि AgNO3 यहाँ पे आयन के टर्म्स में AgCl बनाएगा, जो कि इसका प्रेसिपिटेशन होना जरूरी है। प्रेसिपिटेशन हुआ उस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पे ये प्रेसिपिटेट हुआ, इक्विवेलेंस पॉइंट हमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट पॉइंट्स निकालने के लिए हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला जो हमें समझ में आता है और जो आसान है, पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में हम सिर्फ इसका पोटेंशियल निकालेंगे, हमें ऐड करना है AgNO3 एक निश्चित वॉल्यूम में 1 ml और 2 ml के डिफरेंस में हम AgNO3 को ऐड करेंगे, और AgNO3 फाइनली ऐड करने के बाद इसको प्लॉट करते हैं वॉल्यूम ऑफ AgNO3 एडेड विद द पोटेंशियल। अब यहाँ पर जैसे जैसे इसको ऐड किया जाता है इसका पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद सडन स्टीप चेंज इसमें भी आता है, और ये स्टीप चेंज ही इसके इक्विवेलेंस पॉइंट को निकालने में हेल्प करता है। हम जानते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट इसका जो सार एंड पॉइंट है, सार मिड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, और वही इक्विवेलेंस पॉइंट हमें इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट बताता है, और उसके माध्यम से हम इसके एंड पॉइंट को और इसकी कैलकुलेशन को निकाल सकते हैं कि कहाँ पर प्रेसिपिटेट हुआ और किस पॉइंट पे एंड इसका AgCl बनना बंद हुआ, वो पॉइंट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट बताता है। और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से हमने ये जानने की कोशिश की कि तीन तरीके के अगर हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन है, या हमारे पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन है, या हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इन तीनों को हम कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन तीनों को हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने की मदद से इसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद इसके इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल के इसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। वी हैव द एंड ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, और इस पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बाद हम समझते हैं कंसेंट्रेशन सेल्स। अब हम समझते हैं कंसेंट्रेशन सेल्स। कंसेंट्रेशन सेल में जो हम सेल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सेल साइड का जो सेल है, दोनों सेल में इलेक्ट्रोड सेम रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम रहता है, लेकिन इन सेल की इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का की कंसेंट्रेशन डिफरेंट रहती है, तो जिसकी वजह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और पोटेंशियोमेट्री के माध्यम से जिसकी फ्लक्चुएशन या जिसके EMF को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारे पास इसको अगर हम पोरस सॉल्ट ब्रिज बोलें या इसको पोरस मेम्ब्रेन हम यहाँ पे बोलें, तो ये मेम्ब्रेन इन दो सेल को डिवाइड कर रही है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सेल है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सेल। राइट हैंड साइड का जो सेल है वो है कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड का जो सेल है वो है एनोड। लेफ्ट हैंड साइड का जो सेल है वो सिल्वर, राइट हैंड साइड का जो सेल है वो भी सिल्वर का सेल इलेक्ट्रोड है, उसमें दोनों सेल में सिल्वर का इलेक्ट्रोड, दोनों सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट इस सेल में और इस सेल में। लेकिन इसकी कंसेंट्रेशन हम अगर C2 मानते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन C1, और C2 की कंसेंट्रेशन फॉर एग्जांपल फॉर दिस सेल इज 1 ml और इसके लिए 0.1 ml है, तो इस तरीके के डिफरेंट कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और वह आसानी से EMF को जनरेट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का सेल हमेशा ऑक्सीडेशन इस सेल में होगा, और इस ऑक्सीडेशन में सिल्वर एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का जो एक्वस सिल्वर है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी जिसमें रिडक्शन होगा और वो सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये ऑक्सीडेशन
लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड साइड में रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बाईं से दाईं सेल की तरफ, जिसकी वजह से इस पूरे सेल में एक पोटेंशियल का डिफरेंस हमें देखने को मिला। इस पूरे सेल की ईएमएफ के कैलकुलेशन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय ई ऑफ दिस पर्टिकुलर ई नॉट ऑफ दिस सेल, क्योंकि सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दोनों कंडीशन एक ही होगा, क्योंकि कंडीशन दोनों की सेम है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस 0.0591 लॉग C2 माइनस, राइट हैंड साइड के सेल की हम बात कर रहे हैं, ई नॉट प्लस 0.0591 लॉग C1। इन दोनों का ईएमएफ सेम है तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.0591 लॉग C2 माइनस 0.0591 लॉग C1। और लॉगरिथम का यूज करते हुए हम इसको बोल सकते हैं 0.0591 लॉग C2 अपॉन C1। इस तरीके से हम इसके सेल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ये कंसेंट्रेशन हमें दी गई है ईएमएफ को हम आसानी से निकाल सकते हैं, जहां पर C2 जो है हमेशा हायर कंसेंट्रेशन को इंडिकेट करेगा, C1 लेसर कंसेंट्रेशन को इंडिकेट करेगा। तो इस केस में हमारे पास अगर इसको अप्लाई करके देखें हम ई इस सेल के लिए वैल्यू लगभग कितनी आनी चाहिए, अगर हमारे पास C2 की वैल्यू 1 mm है और C1 की वैल्यू 0.1 है तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन को हम इजीली बना के यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इज अ मेथड जिसकी मदद से ई ऑफ सेल निकाला जा सकता है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे और न्यूमेरिकल में इसी की मदद से कंसेंट्रेशन सेल की मदद से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी निकालेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से इसमें वैल्यूज पुट की जाती हैं, और यदि हमें ई ऑफ सेल पता है किसी दोनों में से किसी एक की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। साथ साथ में हम इसके लिए नंबर ऑफ, हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोलें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में तो 1 है तो हम इसकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग कंसेंट्रेशन के आयन्स हैं और उन कंसेंट्रेशन के आयन की वैलेंसी हमें नहीं पता है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वो नहीं जानकारी हमें है तो हम इसको निकाल सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाय एन भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इस सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 थे और n की वैल्यू निकाली जा सकती है अगर हमारे पास 3 वैल्यूज पता हो। CH2 की वैल्यू पता निकाली जा सकती है जब C1, N और ECl हमारे पास। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से किसी एक वेरिएबल को निकालना हो, 3 वेरिएबल की जानकारी से हम चौथी वेरिएबल को निकाल सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी दी कैलकुलेशन एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं कंसेंट्रेशन सेल के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल का जो ईएमएफ है, इस सेल में लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिल्वर और सिल्वर आयोडाइड है जो कि KI के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, राइट हैंड साइड पे भी Ag3 का सॉल्यूशन है जो कि दोनों में Ag पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन हमारे पास है और इसकी कंसेंट्रेशन दी गई है, इसकी कंसेंट्रेशन नहीं है हमारे पास, और इसका ईएमएफ आया है 0.788 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बोलता है कि कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम निकाला है, ये कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI निकालो वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इसके साथ लिंक सिंपल तरीके से बन जाता है और सॉल्युबिलिटी का मतलब हम जानते हैं कंसेंट्रेशन, और ऑफ किसका, AgI का, AgI की कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है, AgI की कंसेंट्रेशन निकालनी है और इसी के बेस पे हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर केमिकल रिएक्शन जानने की कोशिश करें सिल्वर का कंसेंट्रेशन, लेकिन इसके लिए हमने अभी इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जो डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन है इस सेल के लिए या किसी भी सेल के लिए हमारे पास है 0.0591 डिवाइडेड बाय लॉग एन लॉग C2 अपॉन C1। अब ये इस इक्वेशन में हम जानते हैं कि C2 इज ऑलवेज हायर कंसेंट्रेशन, C1 इज अ लोअर कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास कंसेंट्रेशन दी गई है तो C2 हमेशा राइट हैंड साइड की सेल कंसेंट्रेशन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस ओवरऑल केमिकल रिएक्शन इज ओनली 1 बिकॉज Ag पॉजिटिव और AgI में ही Ag इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.0591 इंटू लॉग C2 की कंसेंट्रेशन हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड बाय C1, हमें C1 निकालना है, इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी AgI की कंसेंट्रेशन, AgI में Ag पॉजिटिव तभी हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल पाएंगे।
इसको सॉल्व करते हैं और ई सेल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.788, तो लॉग 0.045 डिवाइडेड बाय C1 इक्वल टू हो गया 0.788 डिवाइडेड बाय 0.0591। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 0.045, यानी हम सीधे अगर C1 की वैल्यू निकालें कुछ करें इससे हम इस C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग दी एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू। और ये एंटी लॉगरिथम C1 की वैल्यू हमें मिल जाती है 2.105 × 10⁻¹⁵, ये कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, कैलकुलेट किया हुआ है, यानी हमें मिल गया C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू हमें मिल गई, जो कंसंट्रेशन है ये जी आई का, ये हमें मिल गया और हमने देखा कि 0.045 में इसको ऐड किया हुआ है। तो हम अब इसकी लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम जानते हैं KSP होता है और KSP इक्वल टू हम जानते हैं S स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा S इज बेसिकली सॉल्युबिलिटी, यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए कंसंट्रेशन C1 हम कंसिडर करते हैं। तो S इक्वल टू या इस KSP हमें निकालना सॉल्युबल प्रोडक्ट, तो KSP हम निकाल सकते हैं S स्क्वायर, कंसंट्रेशन को हम अगर स्क्वायर करें तो वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग ऑल दी कंसंट्रेटेड वैल्यूज। और यहाँ पे C1 हमें निकल गया, और C1 के साथ साथ अगर हम ये निकल गया हमारे पास, या हम SP अगर निकालना चाहें, S निकालना चाहें, तो हम अंडर रूट KSP कर सकते हैं। वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी हमें मिल गई तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। बस सिंपली ये तरीका जो है इसका एप्लीकेशन हमें आपको समझना था, इसका एप्लीकेशन सिंपली C1 और C2 को की वैल्यूज को पुट करके निकालना है। हम इसकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको देख लेते हैं।